जी गोस्वामी गौड़ीय संप्रदाय के सिद्धांत को दार्शनिक विचार इत्यादि के द्वारा रूप गोस्वामी ने बचपन से ही इनको पुत्र ही के समान समझ करके लाड़ प्यार और महाप्रभु के चरणों में इनको लिटा दिया। उस समय बहुत छोटे कितने लाड़ प्यार से पले होंगे, अथाह धन संपत्ति थी। जब वो बड़ा होने लगा तो धीरे धीरे अथाह कृष्ण की मूर्ति रखता और उन्हीं की पूजा करता, माला बनाता चढ़ाता, उसी समय में पूजा करते करते ध्यानस्थ हो जाता और कोई खेल नहीं खेलता। इसके बाद में वो चले आए रूप सनातन के पास में वृंदावन। रास्ते में काशी में सार्वभौम भट्टाचार्य जी के शिष्य मंत्री सुदन वाचस्पति थे, वो वेदांत का अध्ययन कराते थे। थोड़े दिनों में ही समस्त विद्याएं व्याकरण न्याय और सब कुछ विद्याएं उनके घर में अल्प उम्र में ही पढ़ते। सनातन गोस्वामी ने जी गोस्वामी को रूप के चरणों में दे, उन्हीं के पास में दामोदर जी के घेरा में जहाँ पर उनकी कुटी थी, और रूप सनातन के विचारों को लेकर के भी उसने सबसे पहले संदर्भ की रचना, व्याकरण भी लिखा, अलंकार कौस्तुभ इत्यादि सब बहुत से ग्रंथ, और भक्ति का ग्रंथ उन्होंने गोपाल चंपू लिख करके उसमें उन पात्रों में ये सब चीजों को भर करके लिखा। इन ग्रंथों में प्रवेश करो, जी गोस्वामी का आचार विचार देखो और वैसे ही बनने की चेष्टा करो, शुद्ध भक्ति को ले। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर नित्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल गौर नित्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल।